कहते हैं। तो अभी मतलब कोई टाइमिंग है या अभी बंद है? काफी कुछ फैमिलियर लग रहा है जो इलाहाबाद का खुसरो बाग वाला एरिया। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। शाम के 5 बज रहे हैं, तो वापस से उसी मार्केट में हम लोग आ गए हैं क्योंकि यही आने जाने का रास्ता यही है। और कल की अपेक्षा अगर देखा जाए तो भीड़ आज कम है, क्योंकि कल था धनतेरस, तो मैक्सिमम लोग, जो लोग नहीं भी निकलते हैं वो लोग भी निकले थे शॉपिंग करने के लिए। बट आज खैर भीड़ कम है, आज भीड़ होगी राम के पैड़ी की साइड। और अभी चलते हैं हम लोग गुलाब बड़ी में। ये है पीछे मेन गेट, और मेन एंट्रेंस के बाद का जो सामने का कुछ व्यू है वो ऐसा दिखता है। बीच में एक पिलर है, 1 जुलाई 1952 को ये बना था ये पिलर, और इसमें शायद रोज़ के फूल भी लगे रहते हैं, लेकिन इस समय है नहीं क्योंकि उसका सीज़न नहीं है। और ये काफ़ी कुछ फैमिलियर लग रहा है जो इलाहाबाद का खुसरो बाग वाला एरिया है, उससे काफ़ी काफ़ी मिलता जुलता है। और मेन चीज़ ये है ना कि इलाहाबाद से और अयोध्या में कई चीज़ें जो हैं वो कॉमन है। वहाँ पे भी हर जगह ऐसे मंदिर वगैरह हैं, संगम पे जाइए फिर से लेटे हुए हनुमान जी, बड़े हनुमान जी, ऐसे करके ढेर सारे मंदिर हैं। और उसके बाद वहाँ पे भी क्या बोलते हैं खुसरो बाग में जहाँ पे मकबरा वगैरह है वो है, उसके बाद सेम सब कुछ यहाँ पर भी वैसा ही एक फील देता है। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। भाई का आजकल का यही हालत है, जब ये कुछ दूर चलता है लेज खुल जाते हैं उसके सू लेज। अभी भी लोग यहाँ पे फैमिली के साथ आए हैं घूमने के लिए। सरप्राइज सरप्राइज। पीछे जो हिस्टोरिकल प्लेस दिखाई दे रही है कुछ और नहीं, एक मकबरा ही है जो कि सुआजुद्दौला का है और उनकी माँ का है। और मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला था कि ये इलाहाबाद के खुसरो बाग से काफ़ी मिलता जुलता है, तो ये भी क्या बोलते हैं मकबरा है जो खुसरो बाग में है वो भी मकबरा है। और ये जो फाउंटेन वगैरह है जब चलता होगा तो काफ़ी खूबसूरत लगता होगा, इतना ऐसा मुझे लग रहा है, बट पानी का कलर देख के लगता है कि ये चलता नहीं होगा। बट ये है कि इसका रख रखाव थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, ठीक है, बट थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। मैं शुरू में बता रहा था ना कि यहाँ पर गुलाब के ढेर सारे पौधे लगाए जाते हैं और उसमें गुलाब का काफ़ी रंग बिरंग फूल अलग अलग कलर के होते हैं। बट अभी इसमें देखो गुलाब का फूल लगा हुआ है, बट अभी एज यू कैन सी ये अभी ताज़े ताज़े लगे हैं या काट दिए गए हैं, तो फिर जब उसका समय आएगा कुछ दिनों के बाद तो फिर से गुलाब देखने को मिलेंगे। बट खैर जिस समय मैं आया हूँ उस समय तो नहीं है। पीछे मकबरा और इधर सामने छोटा सा प्लेइंग एरिया या सिटिंग एरिया बोल सकते हैं, लोग बैठे हुए हैं और अभी यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, तो ये काफ़ी बढ़िया है। हाँ, स्ट्रीट ब्लॉग के नाम से। अच्छा आप ये बताइए कि यहाँ पे जो ये गुलाब के फूल यहाँ पे लगे होते हैं तो वो कब मतलब होते हैं गुलाब के फूल, इसमें लगे रहते हैं ना वहाँ पर बीच बीच में समय आते हैं ज़्यादा? अच्छा, और ये फाउंटेन वगैरह चलते हैं यहाँ के? हाँ चलते हैं, अभी इवनिंग में ही चलते रहते हैं। तो अभी मतलब कोई टाइमिंग है या अभी बंद है, कब से बंद है कुछ पता? ये तो मॉर्निंग में काफ़ी फिलहाल टाइमिंग में चलता है, कटिंग हो रहा था ना, इस वजह से मतलब थोड़ा मेंटेनेंस में लगा है। अच्छा, गुलाबड़ी के बारे में एक फैक्ट पता चला है कि जो इसको बनाने में जो ईंटें यूज़ की गई हैं वो लाखौरी ईंट थी। अब ये लाखौरी ईंट क्या होती है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आप लोग गूगल कर सकते हैं, बट ये फैक्ट मुझे पता चला तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। यहाँ पे ये जो प्लेस है ना इसको और थोड़ा सा अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ इसको खुसरो बाग से तो वहाँ पे भी मैक्सिमम चीज़ें ऐसी ही हैं, बट खुसरो बाग इससे थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर साफ़ सफ़ाई ज़्यादा है। यूँ कह लें कि ये जो बीच में मकबरा है इतना बड़ा नहीं, वहाँ पर छोटे छोटे 3 मकबरे हैं, बट अगर सफाई की बात करें तो उसमें वो पक्का जीत जाता है, और ये तो मतलब उसके आसपास भी कहीं नहीं है। तो यहाँ के लोगों को ध्यान देना पड़ेगा,
और जो यहाँ के रख रखाव करते प्रशासन उसको भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा सही हो जाता है अगर देखते हैं लोग तो। इस प्लेस में मैक्सिमम फैमिलीज आई हुई हैं अपने बच्चों के साथ, बच्चे अपना अलग खेल रहे हैं, फैमिलीज अपना बैठ के इंजॉय कर रही है बस, और क्या ही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। बीच में ये मकबरा है और उसके बाद इसके चारों तरफ फाउंटेन लगे हुए हैं जो कि चल नहीं रहे हैं, मे भी चलते तो वो काफ़ी खूबसूरत लगता। और बाकी ऐसे ऐसे एरियाज हैं वीडियो के शुरू से ही आप देख रहे हैं, तो बस यही है यहाँ पे। गुलाब के पौधे काफ़ी लगे हुए हैं। हाँ ये तो मैं आपको दिखाया ही बताया ही, यहाँ पे घूमिंग सीजन नहीं है। हाँ अगर वो होता तो इसकी खूबसूरती में चार चार लग जाते बेशक एकदम। और स्मेल भी इसकी बहुत अच्छी आती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एंट्री फीस कुछ नहीं रखा है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भारत सरकार पता नहीं देती है कि नहीं। एंट्री फीस रखते तो उससे मेंटेनेंस का खर्चा साफ सफाई का हो सकता था। इस पे एक चीज़ और याद आया कि जो अलाहाबाद वाला खुसरू बाग है वहाँ पे भी मेंटेनेंस फी नहीं लगती है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे भी एंट्री फी वगैरह नहीं है, लेकिन उसका रख रखाव इससे मतलब अगर हम लोग कंपेयर करें ना तो उसके आगे ये कुछ भी नहीं है इसका मेंटेनेंस, क्योंकि मैं उस पर भी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा, उससे कंपेयर करिएगा एरिया वाइज और सब कुछ ये सेम है, बट साफ़ सफाई यहाँ पर थोड़ी कम है, खुसरू बाग में ज़्यादा होती है। कुछ गुलाब के फूल यहाँ पे फूल आए हुए जिन्हें दिखा दें, ये देखो इधर कुछ फूल बचे हुए हैं, मतलब थोड़े बहुत ही हैं। To all this time. गुलाब बड़ी हमने भी देख लिया, आपने भी देख लिया, अब आगे चलते हैं। अगर बिरला मंदिर खुला हो, खुला तो होगा ही शायद, मतलब अगर अंदर जा पाए तो वहाँ चलते हैं, उसके बाद फिर सीधा जाने की कोशिश करेंगे राम की पैड़ी। अगर वहाँ चले गए ना तो काफ़ी अच्छा होगा। माननीय सांसद और जनप्रतिनिधिगण, लाखों की संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश और देश के कोने कोने से उपस्थित सब।